अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब मज़े में होंगे। जो आज की वीडियो है इज़ अबाउट कि हम लोगों ने घर आम पहनने वाले कपड़े किस तरह सिलवाने हैं। मेरे टेलर से कपड़े आए थे तो मैंने सोचा मैं सब डिज़ाइंस और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जिन्होंने सर्दियों के कपड़े आजकल सिलवाने हैं और टेलर को देने हैं, वेट कर रहे हैं देने का, तो वो डिज़ाइंस देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ाइन है, ये मैंने टू पीस सूट लिया था। पहले इस तरह आप लोग वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर करके दिखाती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है और ये इसकी शर्ट है, टू पीस सूट है। मैंने शर्ट पे इस तरह शीशे लगवाए हैं, 5, 1, 2, 3, 4, और ये बोट कला बनवाया है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने हल्का सा डोरी का लगवाई है। ये डोरी की लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल डोरी की लाइन्स लगवाई हैं आगे और पीछे। इसके बाजू मैंने फुल इसलिए नहीं रखवाए क्योंकि फुल बाजू पे डोरी लगी अच्छी नहीं लगती, इसको आपने कोहनी तक ही रखवाना है। ठीक है, कोहनी तक रखवाओगे तो लुक इसकी ज़्यादा अच्छी आएगी और सामने यहाँ पे शीशे लग जाएंगे। और ये नीचे से प्लेन शर्ट है, नीचे से कुछ भी नहीं है, ये इस तरह की शर्ट है। ये बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन, आप लोग पहने, मैंने पहने और ये लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब पे ही सूट करेगा। और ट्राउजर्स पे वही डोरी की 3 लाइन्स लगवा ली हैं। ठीक है, और अब दूसरी वीडियो देख लीजिए। और जो ये वाला ड्रेस है, इधर इसके शीशे लगवाए हैं, ये मैंने बोट गला लगवाया है। मुझे गोल गला अच्छा नहीं लगता तो मैं बोट गला करवा देती हूँ। बोट गला से क्या होता है कि आप थोड़े पतली लुक आती है आपकी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इसके ऊपर शीशे लगवाए हैं। और इसके बाजू ये नोट करना है कि छोटे रखवाने हैं। ठीक है, इसके बाजू 3/4 रखवाने हैं अगर मेरी जितनी हाइट है, 1, 2 हाथ अगर मेरे जितना हाथ है। ठीक है, इसके ऊपर ये लगवाया, इस तरह की डोरी लगवाई है, 9 डोरी की लाइनें आगे भी और पीछे भी। ठीक है, ये विंटर स्टफ़ है, इसकी नीचे से प्लेन रखवाया है और इसके ट्राउज़र पे भी ये 3 डोरी रखवा दी है। इतना मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगर इतना नहीं छोड़ना तो आप लोग ये नीचे भी लेके आ सकते हैं, नीचे भी अच्छा लगेगा। ने डिटेल वीडियो देख ली है, अब आती है ड्रेस नंबर 2 की बारी। डिस्क्रिप्शन में मैं सारा मेंशन कर दूंगी, जिस जिसको समझ नहीं लग रही है वो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अच्छा, दूसरा ड्रेस मैंने लिया था, पाकिस्तानी ब्रांड है क्रॉस स्टिच, ये है सिंगल शर्ट। इसका गला इस तरह का बनवाया है, ये इधर इलास्टिक डाला है, स्ट्रेचेबल, ये देखो, और यहां पे चुनटे डाली हैं और यहां पे भी इलास्टिक डाला है। ठीक है, पीछे से इसका इस तरह का है, इसके बाजू मैंने इस तरह के करवाए हैं, इधर भी मैंने इलास्टिक बैंड चौड़े वाला डलवा के, ये देखो, और इसका दूसरा बाजू भी इस तरह का है। ठीक है, इसके साथ मैंने जो पेयर अप ट्राउजर किया है स्किन कलर का, उसके मैंने यहाँ पे प्लेट्स डलवाई हैं सिर्फ आगे वाली साइड पे क्रॉस में। ठीक है, ये सीधा ट्राउज़र करके इस तरह दिखाते हैं, इस तरह की इसकी प्लेट्स हैं और इसकी बैक बिल्कुल प्लेन है। अगर आप लोग बैक पे भी प्लेट्स डलवाना चाहते हो तो डलवा दें, लेकिन फ्रंट पे काफ़ी होता है, फ्रंट पे ही अच्छे लगते हैं, बैक पे इतना अच्छा नहीं लगता प्लेट्स डाले हुए। तो इस तरह के क्रिस क्रॉस में इसके प्लेट्स हैं। ये ड्रेस मैंने लिया था, आई थिंक सो 2000 की शर्ट ली थी। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, तो जो इसका गला है वो यहाँ पर लगवाई है ये वाली इलास्टिक, और यहाँ पे इसकी इस तरह की फ्रिल है और यहाँ पे सिलाई है, इस साइड पे भी इलास्टिक है। क्लोजअप है, इस तरह जिसने पिक्चर लेनी है इस तरह ले ले। ठीक है, और ये इस तरह है और ये इस तरह है। ठीक है, उसके बाद इसके बाजू बहुत ही मज़े के हैं यार, लेकिन पता है एक गलती हो गई है कि वो क्या कहते हैं, बाजू थोड़े से छोटे रखवाए हैं, पूरे पूरे बाजू रखवाने हैं, छोटे नहीं रखवाने मेरे, इतने अगर ज़्यादा बाजू होते ना तो ज़्यादा मज़े की लगती। ये भी इलास्टिक है, ये वो देखो, ठीक है, ये हाथ पे उठा के दिखाती है, ये देखो दोनों बाजू इस तरह के बनाए हैं। साथ जो ट्राउज़र मैंने पेयर अप किया है, सिंगल शर्ट थी, एक ट्राउज़र मैं सिलवा लेती हूँ और ना चलाई जाती हूँ, जिस जिसके साथ चलता है चलाई जाती हूँ। ये क्रॉस क्रिस क्रॉस में 1, 2, 3, 4 टोटल 4 लाइंस लगवाई हैं, इतना छुड़वा के। बैक इसकी प्लेन है और सिर्फ फ्रंट पे लाइंस हैं, ये ट्राउज़र है। ठीक है,
हाँ जी, तो अब आप लोगों ने डिटेल वीडियो देख लिया, अब आती है ड्रेस नंबर 3 की बारी। ये वाला बॉटल ग्रीन ड्रेस मुझे पीआर पैकेज में मिला था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूंगी, आप देख सकते हैं इनके पास सारे रेप्लिकास होते हैं बहुत अच्छे। अच्छा जी, ये इस तरह का गला बनाया है, जिस तरह बाजू के इधर लूप्स होती है ना, वो मैंने लूप्स यहाँ पर रखवाई हैं, ये पास से आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, ये इस तरह दूर से, उसके बाद बाजू पे इस पे इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, मैंने कुछ नहीं करवाया, सिंपल बाजू है, और नीचे से इसका ये इस तरह का मोटिव लगा हुआ है, पैच लगा हुआ है। अब आ जाती है इसकी ट्राउजर की बारी, ट्राउजर पे मैंने कट वर्क करवाया है इस तरह, और नीचे इसके पाइपिंग लगवाई है ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, क्योंकि डार्क कलर है, कटवर्क प्रोमिनेंट नहीं होगा जब तक हम इसको लाइट के साथ डिफाइन नहीं करेंगे, तो डिफाइन करके कटवर्क बिल्कुल साफ पता चल रहा है। ठीक है, अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। जो इसका गला बनाया है वो है इस तरह, ये लूप्स हैं जिस तरह बटन लगाते हैं, ये सारी राउंड अबाउट लूप्स हैं, जिसको समझ नहीं लग रहा इसकी कितनी है, उसके लिए मैं कर देती हूँ एक हाथ और चार उंगलियाँ, ठीक है, जिसका मेरे जितना हाथ है वो मेयर कर सकता है। इसके बाजू पे कढ़ाई तो ये प्लेन है, नीचे से इधर एक पैच लगा है। जो इसका ट्राउज़र है उस पर मैंने ये कट वर्क करवाया है, कट वर्क करवाने के बाद नीचे पाइपिंग लाजमी करवाएं ताकि शो हो अच्छी तरह कट वर्क। ठीक है अब बारी आती है ड्रेस नंबर 4 की, जो कि मैंने खाड़ी से लिया है, 2500 का 2 पीस लिया है। उसका गला इस तरह का बनाया है, इसको कहते हैं फ्रिल, अगर आपने अपने दर्जी दर्जन को समझाना तो उसको कहना है ये फ्रिल लगा दे, ये इस तरह के ना, ये फ्रिल, इसको फ्रिल कहते हैं। यहाँ पे मैंने सीडी लेस डलवाई है, ये आप लोग को इस तरह नजर आएगी, ये देखो ये, अब आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ये फ्रिल है और ये सीडी लेस है। ठीक है, इस तरह करवाया है, बाजू के आगे भी फ्रिल लगवाई है, ठीक है, और यहाँ पे 9 बटन्स लगाए हैं कंट्रास्ट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी 9 बटन्स लगवाए हैं लूप्स के साथ, जिस तरह की पिछले ड्रेस पे ग्रीन पे लूप्स थी ना, उस तरह की लूप्स बनवा के ये 9 बटन्स लगवाए हैं इस बाजू पे भी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा ऐसा लुक देने के लिए ये टसल्स 4 लेके, ये वाले बाजार से मिल जाते हैं 8 रुपीज़ के, 7 रुपीज़ के मिल जाते हैं, ये वाले टसल्स लगवाए हैं, ये वाले 4 इस साइड पे, ये बाजू हो गए फ्रिल के साथ, ये गला हो गया, ये इधर 4 टसल्स हो गए, और दोबारा ये बाजू हो गए, और यहाँ पे 9 बटन्स हो गए, नीचे से एक सिंपल है। अब इसके आ जाती है ट्राउज़र की बारी, ट्राउज़र पे मैंने इस तरह का करवाया है, दिखाती हूँ क्लोजअप से, ये दरमियान में मतलब फ्रिल बना के दरमियान में सिलाई लगाई हुई है, ये देखो फ्रिल बना के दोनों साइड्स पे और दरमियान में ये सिलाई लगाई हुई है, ये ट्राउजर का डिजाइन है। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। तो इसका गला है ब्लू, ये फ्रिल लगी हुई है और ये सीडी लेस लगी हुई है, इसके बाजू पे भी फ्रिल लगी हुई है और यहाँ पे 9 बटन्स लगे हैं लूप्स के साथ, और इसके कंधे वाली साइड पे ये मैंने 4 टसल्स लगवाए हैं, 1 2 3 4 दोनों साइड्स पे। ठीक है, नीचे से शर्ट प्लेन ही है, मैं मोस्टली नीचे से प्लेन ही रखवाती हूँ, मुझे प्लेन अच्छी लगती है। उसके बाद इसका ट्राउज़र है वो इस तरह का बनवाया है, फ्रिल लगवा के दरमियान में सिलाई करवाई हुई है। ठीक है, आप लोगों ने डिटेल वीडियो देख लिया, अब आ जाती है नेक्स्ट ड्रेस की बारी। ये मैंने खादी से लिया था, ये 2 पीस है, ये 3200 का शायद आया था, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं पिछले साल के हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का स्टॉक नहीं है, तो मैंने पिछले साल के कपड़े निकाले हैं, मैंने कहा फटाफट ये तो पहले दर्जी से सिलवाऊँ। ये देखो इसका गला बहुत ज़्यादा फैंसी था, बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ था, तो मैंने क्या किया, अब इसको बिल्कुल सिंपल सिलवा के इस तरह के इसके बाजू रखवाए हैं, इस तरह के इसके बाजू हैं, और गले पे ये 3 बटन्स लेके लगा दिए हैं इस तरह का, कोई भी फंकी सा बटन लेके इस तरह लगा दिए ताकि डिफाइन डिफाइन हो जाए, 1 2 और 3,
बाकी ये सारा प्लेन है। जब इतने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला हो और लाइट प्रिंट हो तो कोशिश करो उसके ऊपर बटन्स लगा के प्रोमिनेंट कर दो उस ड्रेस को, ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। और इसके साथ ये इसका दुपट्टा है खद्दर का, और ये सिंपल ही है, इसके ऊपर सिर्फ बेबी पिक को करवाई हुई है। अब इसकी डिटेल्स देख लीजिए। इसके ऊपर सारे गले के ऊपर डिज़ाइन था, तो मैंने सिर्फ ये तीन इसके ऊपर डिफाइन करने के लिए ये इस तरह के लगा दिए, ठीक है। इसके बाजू भी प्लेन है, इसका घेरा भी प्लेन है। अब आप लोगों ने डिटेल्स देख लिए, अब आती है नेक्स्ट ड्रेस की बारी। ये भी मैंने खादी से लिया था पिछले साल, और इसको मैंने इस तरह का डिज़ाइन करवाया है। ये क्रोशिए की लेस है, ये मैंने ख़रीदी है ख़ुद, ठीक है। ये देखें, आप कोई भी इस तरह की क्रोशिए की लेस ख़रीद सकते हैं। इसका गला आगे से बहुत ज़्यादा प्लेन था, ना आगे कोई एम्ब्रॉयडरी थी, और बिल्कुल प्लेन सा प्रिंट आ रहा था, तो उसको कवर करने के लिए ये मैंने इस तरह का गला बनवाया, ठीक है। ये पीछे से ओवरऑल ये मैंने लेस लगवाई है। कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ यहाँ और यहाँ लगवाते हैं, गले के पीछे नहीं लेके जाते, गले के पीछे से बहुत अच्छी लुक आती है। पूरी लेस फिरवाया करें, फिर ज़्यादा अच्छी लुक आएगी आपकी, ठीक है। इसी तरह ही बाजू के आगे लगवाया है लेस, ये बाजू के, और नीचे से घेरा प्लेन, और ये इसका दुपट्टा है खद्दर का। इस पर भी सिर्फ पीको करवाई है, ये जो बेबी पीको होती है, ठीक है। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, जो ये है, ये क्रोशिया लेस ये ली थी खुद। इसका ओवरऑल गला इस तरह का बनाया है सारी फिरवा के, और ये अंदर इसका यूं कपड़ा है, ठीक है। बाजू के आगे भी क्रोशिया लेस लगाई है दोनों बाजू पे, और ये थोड़ा सा बेल बॉटम सा बाजू सिलवाया है, बिल्कुल हल्का सा। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, सिंपल जिस तरह की इसकी कढ़ाई है वैसी है। और इसके साथ ये दुपट्टा है, इसके ऊपर बेबी पीको करवा ली, क्योंकि खद्दर के दुपट्टों के साथ ना बेबी पीको ही सही लगती है, आगे ही बहुत भारी होते हैं और भारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है नेक्स्ट ड्रेस की बारी। ड्रेस इस तरह दिखाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं। डिज़ाइन करते हुए तो दर्जी को ड्रॉ कर देते हैं, अल्लाह करे आप लोग सबको समझ लग जाए बहुत अच्छे से, और सब लोग आसानी से स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके अपने दर्जन या दर्जी को समझा सके। अच्छा जी, अब ड्रेस की बारी है जो घर में आम पहनना है, बंदा सोते वक्त भी पहन लेता है और घर में काम करते वक्त भी पहन लेता है, लिलन का, जो कि आजकल मौसम है। तो इसका मैंने गला इस तरह का रखवाया है, इसके गले पे फ्रिल लगवा के, ये समोसा वर्क होता है, इसको समोसा वर्क कहते हैं, ठीक है। ये स्त्री नहीं है अभी, इस तरह का समोसा वर्क करवाया, पहले लगाई है फ्रिल, ठीक है, उसके बाद ये करवाया समोसा वर्क, ये वाला सारे गले पे, इधर भी, और ये इसका डिज़ाइन है, ये देखो, ठीक है। ये इसके बाजू लगवाए हैं, इसके अंदर ऑरेंज पाइपिंग करवाई है थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए, उसके बाद घेरे पे भी पाइपिंग करवाई है घेरे को डिफ़ाइन करने के लिए। इसकी शलवार बहुत मज़े की सी ली है, इसकी शलवार ये देखो, इसके साथ मैंने शलवार सिलवाई है, ये देखो, इसके सलाइयाँ प्लेट्स सिलवा के 1, 2, 3, 4 प्लेट्स सिलवा के ऊपर समोसा वर्क करवाया, लेकिन 3 करके फिर गैप, फिर 3, फिर गैप और फिर 3, इकट्ठे पूरी शलवार पे नहीं करवाया, 3 समोसा डलवा के गैप, फिर 3, फिर गैप, फिर 3, इस तरह ये शलवार करवाइए। अगर आप लोग पूरा करवाना चाहते हो तो आप लोग पूरा भी करवा सकते हैं। ये देखिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो इस तरह ले ले इस चीज़ का। अब इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए, जिनको समझ नहीं लगी तब लग जाएगी। जो इसका गला है वो इस तरह है कि ये फ्रिल लगवा के सारे ओवरऑल आगे समोसा वर्क करवाया हुआ है, ये इस तरह का इसका गला है, ठीक है। इसके बाजू प्लेन हैं, बस ऑरेंज पाइपिंग करवा दी है, और ये शलवार है, शलवार के देखो सिलाई 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 सिलाई, और उसके बाद 3 समोसा, ये 3 उंगलियों का गैप, और फिर 3 समोसा, फिर 3 उंगलियों का गैप।
आपने डिटेल वीडियो देख लिया, अब आती है नेक्स्ट ड्रेस की बारी। ये है कॉटन लॉन का है, लेकिन मैंने कहा इसका डिज़ाइन अच्छा है तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, 3000 का आई थिंक थ्री पीस। ये इस तरह की इसकी शर्ट है, ठीक है। ये मैंने कट वर्क करवाया है। जिन पे एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो और आप लोग गोल गला नहीं चाहते, तो आप लोग एम्ब्रॉयडरी का कट वर्क करवा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने करवाया है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी का कट वर्क करवा के इसको अप्लाई करवा दिया। उसके बाद इसके बाजू पे इस तरह की लेस लगवाई है, लटकन, क्योंकि घर आम पहनने वाले कपड़े हैं तो हम लोग ने ज़्यादा बड़ी लटकन नहीं लगानी। ज़्यादा बड़ी लटकन लगा देंगे तो हर चीज़ के अंदर जाएगी। इतना साइज सबसे बेस्ट होता है, इतना साइज़ ना किसी सालन वगैरह में जाता है, ना काम करते वक्त रुकावट होता है। और ये मैंने एक फ्लावर फ्लोरल सा लेके इस पे लगा दिया, ताकि घर में थोड़ा सा कभी कोई मेहमान आ जाए या फॉरेन कपड़े पहनने पड़ जाए तो ये इंसान के पास इस तरह का ड्रेस हो। ये हो गया। और इसके नीचे भी ये इस तरह की लैस लगवाई है, ये मोतियों वाली लैस है, ये वाली देखिए, ठीक है। इसका जो ट्राउजर है वो क्यूलॉट सिलवाया है और ये इसका डिजाइन। इस साइड से भी और दोनों साइड से सेम है। अब इसकी भी डिटेल वीडियो देख लीजिए। इसका ट्राउजर इस तरह का है, कटवर्क करवाया है, इसके अंदर पाइपिंग करवाई है, ये आज की दो पट्टियां लगवाई हैं, इसके बाजू के आगे इस तरह की ये लेस लगाई है लटकन सी, और ये एक फ्लोरल सा फूल लेके लगाया है। और इसका गले पे एम्ब्रॉयडरी थी तो ये कटवर्क करवाया है, ताकि थोड़ा सा ना मॉडर्न सा सूट बन जाए। ये देखो, अब आप लोगों ने डिटेल वीडियो देख ली है। अब आती है लास्ट ड्रेस की, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट कलर का मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा बेबी पिंक, और दुपट्टा उसका पर्पल कलर का था, थोड़ा सा फैंसी था। तो इसकी जगह मैंने ये फ्लोरल चार फूल लेके लगा दिए, ताकि इतना डल कलर है तो एकदम जब फूल नजर आएंगे ना तो एकदम अट्रैक्ट करेंगे, बहुत अच्छा फील आएगा। अब देखो, पिंक के साथ मैंने पर्पल का कंट्रास्ट किया और ये चार फूल लगाए हैं। और यहाँ पे अंदर पर्पल पाइपिंग करवा दी है, और बाकी नीचे भी पाइपिंग करवा दी है, बाकी ये सारा प्लेन है, ठीक है। और इसकी शलवार पे सीडी लेस, क्रोशिया लेस, गैप, सीडी लेस और क्रोशिया लेस, धागे निकले हुए हैं। दूसरी साइड से दिखाती हूँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये इस तरह शलवार होगी, सीडी लेस, क्रोशिया लेस, सीडी लेस। अब इसकी आप लोग डिटेल वीडियो देख लीजिए। इन ये बिल्कुल पिंक और वाइट ड्रेस था, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह के फूल लगवा लिए, ताकि थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बन जाए ड्रेस। ये बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। ये इस तरह के फूल हैं, पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है। इसकी ओवरऑल पाइपिंग पर्पल की करवा दी है, और जिसका शलवार इसके साथ मैंने बनवाई है वो है क्रोशिया लेस और सीडी लेस, फिर इतना गैप, फिर क्रोशिया लेस और सीडी लेस। अच्छा जी, तो अब जो लास्ट चीज़ रहेगी, अब मैंने एक शलवार सिलवाई थी ताकि मैं सब शर्ट्स के साथ पहन सकूं। और ये डिज़ाइन मैंने जुनेद जमशेद का चोरी किया था, क्योंकि उनकी शलवार का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं चीज़ें लेके, लेसेस लेके खुद एक और इस तरह की शलवार बनवा लूँ, ताकि सब सूट के साथ चल सके। अच्छा जी, आप लोग ने इस तरह की क्रोशिया लेस लेनी है। अगर इस तरह की आपको क्रोशिया लेस नहीं मिलती तो आप लोग सीडी लेस भी अंदर डलवा सकते हैं, लेकिन आपने सीडी लेस वाइट नहीं लेनी है, ऑफ वाइट शलवार है, आप लोग ने भी ऑफ वाइट डालनी है अंदर। उसके बाद ये क्रोशिया की एक लेस लगवाई, ठीक है। उसके बाद ये एक क्रोशिया की एक और लाइन डलवाई, नीचे सिलाइयाँ लगवाई, और एक दो तीन चार पाँच, ये पांच बटन लूप्स के साथ, ये इस वक्त खुले हुए हैं लेकिन ये हमने लूप्स के साथ बंद कर देने, ठीक है। ये शलवार है, इसका आगे वाली साइड भी यही है और पीछे वाली साइड भी सेम है, दोनों साइड्स पे सेम सेम कराया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्रोशिया लेस लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, फिर इधर और फिर इधर, सेम सेम, ठीक है। अब इसकी भी डिटेल वीडियो देख लीजिए। वो मैंने डिज़ाइन चोरी किया है, उसकी ये डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग है, और मैं तो डिज़ाइनर बन गई हूँ। अच्छा जी, इसकी ये इधर तीन सीढ़ी ये लगाई है, क्रोशिया लेस, फिर ये क्रोशिया की पट्टी लगाई है, ये भी क्रोशिया लेस है,
इसके 1 2 3 4 5 बटन्स हैं और ये लूप्स के साथ है, इसको बंद करने इस वक्त मैंने ये खोले हुए हैं और यहाँ पे ये सिलाइयाँ लगाई हुई हैं इतनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, ठीक है। आगे से भी ये है और पीछे से भी सेम है और खिलारा तो देखो खिलारा। अब आप लोगों ने सारे डिज़ाइन देख लिए हैं, पता चल गया होगा, उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छी तरह समझ लग गई होगी क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की मैं हर चीज़ क्लियर क्लियर दिखाऊं। और सूट के डिस्क्रिप्शंस कहाँ से लिए हैं, सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। आप लोग ज़रूरी नहीं है इस तरह का ही कपड़ा लेना है, यही प्रिंट लेना है, क्योंकि ये पिछले साल के हैं तो आप लोगों को मिलेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूँ ताकि आप लोग पेजेस पर मैसेज ना करें, क्योंकि वो पेज वाले रिप्लाई नहीं करते, जो सीधी सी बात है, रिप्लाई मैसेज करते रहो करते रहो करते रहो, उनका बस किसी किसी को रिप्लाई जाता होता है और वो रिप्लाई नहीं करते होते। ये पिछले साल के सारे सूट हैं तो इसलिए अब नहीं मिलेंगे, ये वॉल्यूम खत्म हो गया होगा। जो अब सर्दियों की कलेक्शन आएगी, आप लोग सूट लेना, डिजाइंस कॉपी करना और मुझे पिक्चर लाजमी सेंड कीजिएगा इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों ने डिजाइन कॉपी, मुझे बहुत खुशी होगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो पता ही है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज, सब अपना ख्याल रखिएगा।